हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। ये वो फ्रूट है यार जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। दैट वीडियो इज लिंक्ड इन द आई बटन ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां आप जाकर के देख सकते हैं कि इस फ्रूट का नाम चकोतरा है और ये क्या या किस तरीके का फ्रूट है गाइस। तो फाइनली मैंने आप लोगों को उस दिन वादा भी किया था कि जब ये फ्रूट पक जाएगा तो हम इसका टेस्ट टेस्ट और कटिंग टेस्ट करेंगे। ये पहली बार मेरे सामने आया, मेरे घर पे आया है। तो What we are going to do is a simple thing. हम इसको यहां से simply काटने वाले हैं, नींबू की तरह इसको exactly काटेंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या चीज है, right? और अगर मैं आप लोगों को exactly बताऊं, जो मैंने वहां पे भी बताया था वीडियो में, काफी बड़ा फ्रूट है और इसका वजन काफी ज्यादा है, तो पकने के बाद इसका एग्जैक्ट वजन जो रहा है वो रहा है 1 किलो 100 ग्राम या 1100 ग्राम अगर आप इसको बोल सकते हैं। तो 1 किलो का अकेला फ्रूट है गाइस, जहां आप 1 किलो में 6-7 केले 12 केले और बहुत सारे सेब ऐसे खा लेते हैं, वैसे इसको अगर आप लेते हैं तो 1 किलो में ये एक ही आपको मिलेगा। एंड गाइज, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग फॉर यू ऑल। बहुत मोटा छिलका है इसका, एंड नाउ हियर यू कैन सी, बहुत ज्यादा मोटा छिलका है। ये व्हाइट वाला पार्ट ऑब्वियसली हम लोग खा नहीं सकते, the edible part is this one only, reddish color का है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि color कर दिया है हमने इसमें, but ऐसा नहीं है। आप लोगों के सामने taste test भी मैं definitely करूंगा। So guys, अभी हम बढ़ रहे taste test की तरफ। I'm going to cut it further. First time इस fruit को मैंने देखा है या मैं taste करने वाला हूँ, तो मुझे नहीं पता exactly इसकी cutting कैसे होती है, तो let's cut it in a general way. मैंने आपको कहा था ऑरेंज जैसी स्मेल है, बट गाइज ये थोड़ा सा जो स्मेल है मौसम्बी जिसको हम कहते हैं उसकी स्मेल है या फ्रेग्रेंस है एग्जैक्टली। आई होप कि ये थोड़ा सा मीठा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फेस एक्सप्रेशन आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली है क्या। आप देख पा रहे हैं इसको, काफी अच्छा पल्प है और आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट। This is good to eat. Good to eat. मतलब ठीक है, not sweet, not sour, but yeah, edible. This is nice. This is something different. Tried it for the first time. Thank you for watching.